हेलो गाइस, मैं शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इससे ये होगा कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेंगी। व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे, रिस्पांस अच्छा है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इससे ये होगा कि जो मुझे मोटिवेशन है वो कम मिलेंगे और मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी कंची मारूँगा। तो आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहना चाहिए। तो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ है जो आपको काम आ सके मैं वो बना पाऊँ। तो आज 22वां दिन है, 22वें दिन का दाना हमने अभी चला है, रात शाम का करीबन 5 बजे हम दाना चलाते हैं। तो लगभग रात के 12-1 बजे तक चलता है। तो 22वें दिन में क्या कंडीशन है मैं आपको बताना चाहता था। अभी पैड चालू है, देखिए शाम के 5:30-6 बज रहा है, पैड चालू है क्योंकि टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने पैड अभी भी चालू रखे। देखिए आप, 3 पंखे ऑन है। तो मेडिसिन में अभी पानी साफ़ करने की दवा और लीवर टॉनिक स्टार्ट है बस, उसके अलावा कुछ भी स्टार्ट नहीं है। तो आज अपन वेट देखेंगे, 22वें दिन में दाना आज खा रहा है तो कल सुबह इसका एवरेज वेट जो है वो 1 kg आना चाहिए, क्योंकि इसमें 100% में 20% मेल और 80% फीमेल। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जिससे मेल जो है फीमेल से 200-250-300 ग्राम जो है वो वेट ज़्यादा रहता है मेल का, और फीमेल का जो है वेट 250-300 ग्राम कम रहता है। तो दोनों का एवरेज लेके जो वेट है 1 किलो आना चाहिए, या आपका बैच निकल रही तब भी जो एवरेज आता है 2-2.5 किलो, वो भी मेल 3 का रहेगा या फीमेल 2500-2400-2300, तो वो 2500-2600 का एवरेज आता है। तो चलो आज देखते हैं मुर्गी का वेट कितना है और मुर्गे का वेट कितना है। तो चलो मैं वेट मशीन ऑन करता हूँ, पटले जी एक मुर्गी लाओ बोले, देखते हैं। ये हमारे पटले जी है, यहाँ के सुपरवाइज़र। चलो देखते हैं, एक मुर्गी लाओ पहले, मीडियम साइज मुर्गी के साइज़ भी यहाँ 2 है, कोई 1 किलो है, कोई 900 ग्राम है, कोई 850-850 ग्राम है, ऐसी भी यहाँ मुर्गियाँ है। वाली चप्पल नहीं, मुर्गा और मुर्गी में फ़र्क पहचानना इस स्टेज में थोड़ा सा मुश्किल होता भी है। देखिए अभी क्या है, मुर्गा मुर्गी देखते, ये मुर्गी है, देखो ये मुर्गी आ गई। चलो इसका वेट देख लेते क्या है। ये है 950 ग्राम, आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, देखो 950 ग्राम है मुर्गी। तो ये कल सुबह तक 1 किलो इसका आना चाहिए। सो रख दो मुर्गा लाओ, ये ज्योति, चलो ठीक है। एक अपन मुर्गी का भी देख लेते हैं, फिर अपन देखते कि एवरेज क्या आना चाहिए, क्योंकि अभी जो मुर्गी होगी वो 900 ग्राम वाली भी होगी। मुर्गा पटले जी, हाँ ये पहला वाला ही है, हाँ हाँ हाँ, बस 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 उठा लो उसको ऐसा, हाँ बस। हाँ ये मुर्गा है ना, मुर्गे का वज़न मुर्गी से ज़्यादा होता है क्योंकि खाने में, और इसकी जो ग्रोथ होती है जैसे 1300 ग्राम दे सकते। तो मुर्गी में भी 2 वेराइटी होती है कि जो सबसे ज़्यादा वेटेड होगा 1300 और कोई 1100 भी होगे, और मुर्गी में 3 रहती है, जैसे कोई 950 होगी, कोई 900 या 850, यानी फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत सब में रहता है, इससे एवरेज अपना निकलता है। तो कल 23वां दिन रहेगा, तो मैं कल सुबह आपको एवरेज जो है 8 मुर्गी और 2 मुर्गे लेके, यानी 10 बर्ड्स का अपन एवरेज निकालेंगे। तो इसको रख दीजिए। चलो और एक चीज़ बताता हूँ, देखो मॉर्टलिटी दिखाता हूँ मैं आपको, आज चार मॉर्टलिटी है। तो ये मुर्गा 1300 ग्राम का मुर्गा, देखिए कितना बड़ा मुर्गा है ये। तो ये जो है यहाँ दाना होता है, इधर दाने की थैली ये होती है यहाँ, और यहाँ पानी की थैली होती है। तो यहाँ दाना भरा हुआ है पूरा, तो ये अटैक, ज़्यादा दाना खाने के कारण, ये अटैक के कारण इसकी मोर्टिलिटी हुई है ये। और ये पैर पूरा इसका टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको ठंड भी हो सकती है, हल्की सर्दी भी रह सकती है, और ये गर्मी के कारण गया है, और ये तो बच्चा था, ये विकसित ही नहीं हो पाया, तो ये किस कारण से मोर्टिलिटी चारों को ही है। तो आज 4 मोर्टिलिटी है, आपको मैंने वेट बता दिया मुर्गा और मुर्गी का, डिफरेंस बता दिया, मैं आपको एवरेज में डिफरेंस बताऊँगा कि कैसा डिफरेंस आता है, क्या वेट रहता है। तो आज आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली। इसी साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा, जय हिंद जय भारत। और ये जो 23वां दिन दिखा रहा है ये क्या टाइमिंग के ऊपर है, मैंने टाइमिंग क्या शाम में डाला था करीबन 4 बजे फर्स्ट डे का दिन, डे 1, बट बैच आई थी दूसरे दिन सुबह, तो इसके हिसाब से फिर मैंने चेंज नहीं किया। तो आज 22वां दिन है और अभी 23वां दिन कल आज यानी शाम रात को 12 बजे से लग जाएगा, बट वो अभी इंडिकेट कर रहा है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, जय हिंद जय भारत, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।